हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बार बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो है हार्डी सुलझे का नियम। तो हार्डी सुलझे का नियम क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो देखिए, हार्डी सुलझे ने इस नियम में हमें क्या बताया, हमें उन्होंने यही बताया कि कोई भी पदार्थ है, थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है कि कोई भी पदार्थ है, इन्होंने हार्डी सुलझे नामक वैज्ञानिक ने यही कहा कि कोई भी पदार्थ है तो उस पदार्थों की स्कंदन आयन, जो स्कंदन आयनों की संयोजकता, जो स्कंदन आयनों की संयोजकता होती है, कोई भी पदार्थ है तो उसकी स्कंदन आयनों की जो संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। यही बात उन्होंने कहा है। हार्डी सुलझे ने अपने नियम में क्या बताया कि किसी पदार्थों की स्कंदन आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे इस नियम में हमें क्या बताया गया है। मतलब जितनी संयोजकता यदि अधिक होगी ना संयोजकता, तो उसकी क्षमता भी अधिक होगी। ठीक है, इसका मतलब संयोजकता जो होता है वो क्षमताओं के, स्कंदन क्षमताओं के समानुपाती होता है। तो इस नियम में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, चलिए मैं लिखते हुए चल रहा हूँ, आप लिखेंगे हार्डी, आप ऐसे लिखेंगे हार्डी सुलझे के नियम के अनुसार, किसी पदार्थों की, स्कंदन आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। तो यहाँ पे हमने इस नियम के अनुसार क्या हुआ है वो हमने बता दिया है। आप लिखना चाहें तो आप यहाँ से याद नहीं करेंगे, आपको यहीं से याद करना है कि किसी, मतलब हार्डी सुलझे के नियम के अनुसार किसी पदार्थों की स्कंदन आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। इस बात को आपको लिख लेना है। उसके बाद नीचे आप चाहें तो ये समानुपाती का चिन्ह भी आप दिखा सकते हैं। इस प्रकार आप क्या दिखाएंगे, आप दिखाएंगे कि स्कंदन आयनों की संयोजकता जो संयोजकता होती है वो स्कंदन क्षमता के समानुपाती होता है। इस बात को आप चाहें तो आप दर्शा दीजिएगा उसके बाद लिखने के बाद इस नियम को, जिससे आपके जो एग्जामिनर होंगे जो चेक करेंगे आपकी कॉपी, उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपने पढ़ाई किया हुआ है। तो आशा करते हैं कि हार्डी सुलझे का जो नियम है ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और ये टॉपिक आपको समझ में आया है या नहीं आया है। दूसरी बात, यदि आपको कोई भी टॉपिक है जो आपके समझ में ही नहीं आता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, तो उसको समझना चाहते हैं और वीडियो में ही याद करना चाहते हैं, तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिए। जैसे हार्डी सुलझे का नियम अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मान लेते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, हार्डी सुलझे का नियम ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कर दीजिएगा, कोई भी टॉपिक आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आप भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो आप चाहिए हमारे मेन चैनल जो है ब्रदर सर, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो उस लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ से सभी चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएगा सभी टॉपिक का, तो वहाँ से उसकी अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।